जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। गोपालगंज, कल शाम में गायब नाबालिग किशोरी बेहोशी की हालत में मिली गांव के ही गन्ने के खेत में। किशोरी की स्थिति नाजुक, सदर अस्पताल में भर्ती। आईटी पार्क जिले का एकमात्र कंप्यूटर संस्थान जो नाइलिट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीसीसी और ओ लेवल में नामांकन प्रारंभ है, जो सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम में नामांकन प्रारंभ है। पता यादवपुर रोड गोपालगंज। पूछताछ में आ रहा है कि ये कल घरेलू कुछ मैटर को लेके उसके पिता जो हैं अपने बेटा को पीट रहे थे, घर से निकल गई और उसके बाद अगले ये लोग खोजबीन कर रहे थे, नहीं मिली। अगले दिन गन्ने के खेत से मिली है और इनके द्वारा बात भी छिपाया गया था कि छत से कूदी है। प्रारंभिक स्टेटमेंट छत से कूदने की बात बता रही थी। गले में चारों तरफ ये दाग है, ये निशान है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? तो डॉक्टर साहब बताया है कि हेड इंजुरी है और गला में है दाग है। रेप ऑफ की कुछ बात सामने आई, देखते हैं लेडीज डॉक्टर बताए। गोपालगंज डॉक्टर नदी के स्कूल सह परिवार की ओर से क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लड़की गायब है, ठीक बा, और तीन बजे आज साझी खंड मिला लिया और रात भर इनका के पूरा जो अलग बने सन ना मिली। और टोली के लोग आए हैं तो कहता लो कल से लड़की काहे नहीं खसन खोज ले, तो वे लोग लिया के बताओ लो वे उठा के लिया आई हलो। ठीक बा, कहाँ थी लड़की? ऊखी में, मियाँ के और टोली के गांव के पीछे ऊखी में रहले से लड़की रात भर खोज ले बने। किस स्थिति में थी लड़की? किस स्थिति में थी लड़की? मार और के पूरा फांसी लगा के फेंक दिया रहा। अभी कहाँ है? अभी तक सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। थाना को सूचित की है? ना। कल बताई थी थाना को, जब गुम से तभी तो जोहनी है सन। ठीक कल बताई थी, नहीं मिली तो ना, तभी तो हमने कहीं जाके 8-9 बजे लड़के खेले ली आ जाइए तो जो जोत ना अभी किसी से कोई पूरा गांव में पूछनी है सर। किसी पे कोई शक कोई मारने वाला ना सकता नहीं कभी के ऊपर नहीं किसी विवाद ना। क्या नाम है? मिलता देवी। गोपालगंज चेयरमैन मुकेश पांडे की ओर से गोपालगंज जिले के सभी परिवारों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ।